अब हम सीखेंगे कैसे रबर प्लांट को लगाते हैं। एक बच्चा सॉइल लेंगे, सॉइल मतलब करो बेटा, सॉइल को रेत मिलाएंगे, रेत मिला के ये जो मैंने रबर प्लांट करीबन 1.5 महीना पहले इसका पत्ता लगाया हुआ था, जड़ आ गई है अच्छे से देख सकते हैं। अब हम इसे धीरे से इसमें रखकर जड़ें निकल आई। तो कैसे रबर प्लांट को अपने घर पे इतने महंगे महंगे प्लांट खरीदने की बजाय पत्तियों से बना सकते सिर्फ। ये इंडोर प्लांट जो हमारी घर के अंदर जो सीजन है, जो भी वायु प्योरीफाई करता है, एयर को प्यूरीफायर, एक प्यूरीफायर का काम करता है। कोई भी इंडोर प्लांट घर के अंदर ऐसे ही नहीं लगाया जाता, तो कुछ ना कुछ मतलब होता है। ये सिर्फ शो के लिए नहीं होते हैं, ये आपकी एयर क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं अंदर की। देख सकते हैं बाद इन्हें बड़े पोर्ट में शिफ्ट करूंगा, तब मैं इनकी और अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। कोई बड़ा काम नहीं है यार, पत्ते लो और ऐसी थोड़ी सी जहां पर छाओ वहां पत्तों को महीने भर के लिए मिट्टी में नीचे वाला हिस्सा कड़ा कर मिट्टी के अंदर रख दो और ऊपर ये रख दो। ये आपके कुछ टाइम बाद रबर प्लांट तैयार, जिनकी कीमत मार्केट में कम से कम 150 रुपए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।